Good morning everyone, welcome to Engineers Platform. Today I am here regarding schedule. Actually दिक्कत क्या हो रही थी, बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट्स में देखता हूँ तो बच्चों की क्वेरीज कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे थे का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कौन कौन से वीडियो आने चाहिए। तो मैं वही आज स्ट्रेटजी एक हमारा है लेक्चर्स में कि किस तरीके की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ और उसका क्या शेड्यूल होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आपका कमेंट्स कि मैं जो भी अभी आपको बता रहा हूँ, जो अब बताने के बाद आप जरूर कमेंट्स मुझे करेंगे उसके बाद कि किस टाइम वो वीडियो चाहिए। जैसे रीजनिंग के वीडियो आएंगे, टेक्निकल्स के वीडियोज आएंगे और स्ट्रेटजी के वीडियो आएंगे, तो आपका टाइमिंग क्या होगा, सबसे सुटेबल टाइमिंग कौन सा होगा जिसको मैं आपके सामने रख पाऊंगा, तो उस टाइम को ही हमारा वीडियो आपके लिए इनेबल होगा, चाहे वो अपलोड किसी भी टाइम हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल हो पाए। इसमें हमारी क्या क्या प्लानिंग है तो हम उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्लानिंग है, हम यहाँ पे आप लोग के लिए अवेलेबल कराएंगे टेक्निकल वीडियो। टेक्निकल वीडियो में ये जो इंटायर सिलेबस होगा मेनली फॉर SSC JEE, ये जो कवर अप करेगा मेनली फॉर SSC JEE। और इसके अंदर हम देखेंगे कि लेक्चर्स, मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर्स आपका पर डे अवेलेबल हो पाए और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएं। उसके बाद जैसे कि रीजनिंग की स्ट्रेटजी हमने बताया था, काफ़ी बच्चों ने यहाँ को लाइक किया, उसके बारे कमेंट्स किए, तो SSC JEE के रीजनिंग में हमने 20 टॉपिक आपको बताए थे, वो मच मोर सफिशियंट है आपके SSC JEE के लिए। तो आप वहाँ पे उस चीज़ को करने के लिए 20 टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें ताकि आप 45 मार्क्स अटेंड कर पाए, आराम से अटेंड कर पाए। मैंने उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करा है कि वो एक टॉपिक तैयार हो जाए और हर टॉपिक को मैं डील करूंगा आपके साथ और एक एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा एक टॉपिक डेली कवर हो और डेली अपलोड हो, उसकी टाइमिंग आप डिसाइड करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि उसमें 45 नंबर में आप आसानी से लाग सकते हो। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए, यहाँ पे इस टारगेट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, जिसका पूरा स्ट्रेटजी हमने आपको पहले दे रखा है। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे उसी क्वेश्चंस को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो स्पेशली SSC JEE के अंदर आते हैं, नॉट फॉर अदर एग्जाम, कि आने वाला कुछ लिमिटेड सेक्शन ही होता है हमारे SSC JEE में। और आप प्रीवियस 10 साल के पेपर को उठा लें, आपको यही अंदाजा चल जाएगा कि रीजनिंग के अंदर क्या हमारा स्ट्रेटजी होता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसका एक प्रैक्टिस सेट के बुक लाएंगे जो 30 पेज का होगा, उसके लिए थोड़ा डिले हो रहा था लेकिन मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। आई होप कि 10 दिन के अंदर वो आपके अवेलेबल हो जाएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है हमारा क्या कि अपडेटेड एग्जाम जो भी होंगे, जो हमारा अपडेटेड एग्जाम होते हैं पर डे, उसके एक न्यूज़, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होंगे हम उसको जरूर कवर करेंगे, एज वेल एज बोर्ड पे अगर हो जाए या फिर हम आपको स्क्रीन के द्वारा उसको अपडेट करा पाएं। लेकिन मैं एक वीडियो डेली इंटीमेट करूँगा जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्ट्रेटजी, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एग्जाम की, जो भी एग्जाम आपके इंपॉर्टेंट हो उसके स्ट्रेटजी मैं आप जब आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। जैसे कि SSC क्या हमने काफ़ी दिए, DMRC के एग्जाम के दिए, ISRO के दिए, तो बहुत सारे CIL के दिए, तो हमने स्ट्रेटजी बहुत सारे दिए हैं। अब भी आने वाले कोई भी एग्जाम होगा, जैसे अभी राजस्थान का जो PWD PHED वाला था, उसके भी बहुत सारी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस किया। तो स्ट्रेटजी में शामिल क्या होगा, एग्जाम्स के बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स का ख्याल रखा जाएगा, यहाँ पे सिलेबस क्या होगी, उसके कटअप क्या होंगे और साथ के साथ पेपर का एनालिसिस किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ के साथ हम फ्रेशर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे हैं ऐसे जो फ्रेशर्स ही हैं, चाहे वो डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हो या फिर बीटेक में, क्या आपका स्ट्रेटजी होगा, क्या फोर्थ ईयर निकलने के बाद आप क्या करोगे, अभी से क्या प्लानिंग होगा। मैं मानता हूँ स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए, क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद वो लाइफ आपको नहीं मिलेगा, आप मिस करोगे उस टाइम को, तो उसको भी इंजॉय करना है। लेकिन जब आप फाइनल ईयर में आ जाते हो फाइनली, तो उस टाइम आपको कैसा स्ट्रेटजी अपनाना है, किस टाइम डेली आपको 2 घंटे देने हैं, किस टाइप की तैयारी में देना है, किस टाइप की तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए हम जरूर अलग से एक सेशन रखेंगे जो स्पेशल फ्रेशर्स के लिए होगा, डिप्लोमा और बीटेक फ्रेशर्स के लिए, वो किस तरीके से तैयार करें उसके लिए अलग से मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। तो ये हमारा शेड्यूल है कि हम शेड्यूल को किस तरीके से करें, और पर डे कोशिश करूंगा मैं एक वीडियोस यहां से यहां पर डे कोशिश होगी हमारी एक वीडियोस आपके सामने जरूर लाने की। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी, कमेंट ध्यान से आप जरूर करिएगा, आपके लिए कौन सा ऐसा टाइम होगा जिस टाइम मैं इस चीज़ को लाऊंगा और उस टाइम आप इसको आसानी से देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।